आयशा, जापान के एक साइंटिस्ट ने कुछ अरसा पहले एक तहकीक की। तहकीक का नतीजा ये निकला कि अगर आप महीने में 30 दिन रोजे रखते हैं तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आपकी जान छूट जाएगी और आपकी जिंदगी लंबी होगी, आपका खून साफ होगा। मतलब ला तादाद फवाइद। और हमारे तमाम मुसलमान इस बात पे बहुत खुश हुए कि ये गैर मुस्लिम है, लेकिन ये वो बात कर रहा है जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सौ साल पहले की। इस बात पे मेरा एक दोस्त सबसे ज्यादा खुश हुआ। वो रोजे रखता था, चौथे रोजे अस्पताल दाखिल हो गया। मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्या हुआ है, रोजे नहीं रख रहा? कहता रोजा तो रख रहा हूं। तो मैंने कहा फिर वजह क्या है? जब मैंने उस अंग्रेज की तहकीक के बाद उसकी तहकीक की तो रोजे के बाद के जो 12 घंटे थे उसमें वो 78 घंटों जितना खाना खा रहा है। तो जनाब, रोजे का हरगिज मतलब ये नहीं है कि जब रोजा खुल जाता है और रोजा बंद होने के दरमियान जो वक्त का है उसके अंदर आप अन्नी पा दें। तो रोजे का मतलब सबर, हौसला और एतदाल है। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की तरफ से, आपके इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। शेरा आए, मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और यहां से ले जाया जाओ। हाय लोको, हाय 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 हाय। बात चल रही थी कि ये जो लोग अफ्तारी के फॉर्म में, हौसला हिम्मत न, हौसले हौसले ना, मैं ठीक है, मैं हौसले ना क्या, तू हौसले ना हो रहे। तो बात ये चल रही थी कि जो लोग रोजा अफ्तार करने के बाद बहुत ज्यादा खा लेते हैं वो क्यों ये करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्या वजह क्या है उनकी? क्या हो रहा जेड़ा कहना रोजा खुल गया, आहो खुल गया हूं मैनू भी खोल दियो। अनी भाई आप अफतारी में क्या लेते हैं? मैं बीच बीच में सांस लेता हूं। हनी साहब इतनी अफतारी करते थे और माह रमजान के महीने च अपनी एक महीने लिए एम्बुलेंस किराए ते ले लेते। मैनू कि गल कर रहे सरदार साहब की मैं दावत की थी अफतारी से, इन्नी रोटी खाधी, इन्ने समोसे कचोरिया फ्रूट चाट खाधी, अन्ने हो गए नजर कुछ ना आवे, दो घंटे अलमारी च बड़े रहने के शायद ये रस्ता बाहर दा है। और तुसी यकीन कर लो इमरान साहब जिनी ये अफतारी करते ना हनी, जिन्हें अफतारी कराई होंगी सोचने लग पा अफतारी तो बेहतर सी मैं गिरफ्तारी करा दी। हमारे आज के मेहमान, हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप, ओए 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 ओए, द किंग ऑफ द अदाकारों का बादशाह, तारीख में जिसका नाम खुद अपनी ख्वाहिश से अपने पन्नों पर सुनहरी लफ्जों से लिखवाने की ख्वाहिश जाहिर की, आज से नहीं
कई दिहाइयों से पाकिस्तानी टीवी, फिल्म और थिएटर का ताज, पाकिस्तान के बहुत से अदाकारों के उस्ताद। ये सिर्फ अदाकार नहीं, ये शख्स एक थेरेपिस्ट है। रेड कार्पेट बिछाया जाए, आज अदाकारी का बादशाह, अ लेजेंड, अ लेजेंड इज हियर, अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर अ लिविंग लेजेंड, फॉर द मैन ऑफ द मैन्स, मिस्टर अशरफ खान साहब। आइए, प्लीज आप बैठे हैं। मैं भूल ही गया, मैं इस्तकबाल च मैं भूल ही गया। हर चीज़ मैचिंग आपने रखी हुई है सेटिंग के मुताबिक। कालीन जब बिछने लगा था तो मैं समझा कि यहाँ से लेके वहाँ तक बिछेगा, मगर जो साहब कालीन लेके आए हैं वो अपने साइज के मुताबिक। आपके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लीज हैव अ सीट। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਣਾ ਇਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਛੋਟੇ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਹਮਾਰੇ ਇਨ ਲੈਜੈਂਡਸ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਇਨ ਤਮਾਮ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਟੀਵੀ ਥੀਏਟਰ ਔਰ ਫਿਲਮ ਕੇ ਤਮਾਮ ਉਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਜੋ ਆਪਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਮੇਂ ਆਪਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਂਟੀ, उन सब की तरफ से सर वेलकम टू बाजार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या हुआ? बस अचानक ही कुछ हो गया। क्या? ये इतनी जो आपने मुझे पजीराई दी है, ये बहुत कम नसीब होती है बंदे को। मैं कई शोज में जाता हूँ, मगर ये जो प्यार मोहब्बत और ये आपके चेहरों पर जो खुशी है, ये कम कम दिखाई दे। अरे सर, एक अदाकार होता है, एक थेरेपिस्ट होता है, दोनों अलग अलग लोग हैं। आपको कब पता चला कि मैं अदाकार भी हूं और थेरेपिस्ट भी हूं, जो लोगों के गम चुरा लेगा, लोगों के मुस्कुराहटों में जो दर्द है वो दर्द चुराने का फन आपके पास मौजूद है, ये कब पता चला आपको? मैं 5-6 साल का था जब मैं इस फील्ड में आ गया था रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे। मोहनी आपा हमारी एक किया करती थी प्रोग्राम, मैं उसमें बैठा करता था। मेरे साथ इरफान खूसर साहब बैठा करते थे और राशिद महमूद साहब बैठा करते। क्या बात! इनकी निखरें ज़रा बड़े साइज़ की होती थी, मैं ज़रा छोटा था। अच्छा। वो माशाल्लाह फिर हमारा साथ रहा बहुत अरसा। अब जब वो मेरे घर कभी आते हैं तो अब बच्चे मेरे कहते हैं, दादा अबू आए थे फलाने मेरे, वो कहते हैं हया आ कर इन्होंने समझा है असी तेरे नाल दें, दादा जी कहते हैं। अभी बात की इरफान खोसर साहब और राशिद महमूद साहब, आपसे माशाल्लाह बड़े हैं जी जी, तो तुसी भी उदों दे टीवी च आउंदे जदों टीवी बंद करने वाला सोच ही नहीं सी हुंदा। गर्म हो गया भी बंद होना सी। ਇਹਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2.5-3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਗਾਲਬਨ
रणजीत सिंह की हुकूमत होनी मेरे सारे अंदाजे तुहाडे गलत ने। अच्छा जी, ये खान साहब ने खड़ के ना हाथ च मिट्टी सुट्टी सी, कहते अज इधर मिट्टी जाके डिगेगी उधर लाहौर बनेगा। ये ते मशाला उदो दे काम कर रहे ने जो केक वाले कैमरे होंगे सन। पाकिस्तान के दिल के जानी द लिविंग लेजेंड अशरफ खान साहब, देखते रहिए मजाक राइट। सर, पाकिस्तान की हिस्ट्री में और जो आजकल हाजिर वक्त चल रहा है और दरमियान में जितना भी वक्त गुजरा, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े शोज बने, बहुत बड़े बड़े शोज चल रहे हैं, लेकिन 50-50 ये अल्लाह की करम नवाज है। उस सेट का कोई यादगार वाकया? सर जी बेशुमार यादगार वाकया है। मैं उसमें मुझ पर एक गाना पिक्चराइज होता होता था, तो एक गाना था तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, तो ये क्लिफ्टन पे होना था, तो वहाँ इंतजाम हो गए, सारा कुछ हो गया, तो एक भैंस के साथ वो गाना था मेरा कि मैं गाता हूँ, एंड में पता चलता है कि वो भैंस को नहला रहा है, नहला रहे इसको, तो वो लहरें समंदर की वो आनी थी कि एन पता चला है वहाँ जाने से पहले कि जी दफ़ा 144 लग गई क्लिफ्टन पे, वो कोई हालात अच्छे नहीं थे, तो जो हमारा वो रैकी करने वाला था ढूंढने वाला, उसने कहा जी मैं बड़ी अच्छी जगह ढूंढ ली, आ जाए आप, बस बस बस। अच्छा भाई हमें क्या पता कहाँ लेके जा रहे हैं, पता किया तो पता चला कि ये कोई नदी है, वो हमें ये नहीं पता था कि कराची वाले अपनी तमाम तर चीज़ें उस नदी के हवाले कर देते। उस नदी पे ले गए हमें, भैंस भी परफॉर्मेंस के लिए तैयार थी बेचारी, वो तो एक अल्लाह का बंदा था जो वहीं खड़ा हुआ देख रहा, उसने कहा अच्छा भाई इसके बाद हमारे यहाँ आ जाइएगा, मैं कहा क्या होगा वहाँ, अरे आपको नहलाएंगे और क्या होगा। काई लगी हुई काई मुंह पे और वो जो लहरें आ रही थी उसका तमाम तर जो साजो सामान था वो लग गया मुझे, और रोमांटिक गाना गा रहा हूँ तेरे भीगे बदन की खुशबू, वो यादगार वाकया था 50-50 का। क्या बात क्या बात क्या बात, 50-50 का एक सीन जो आपने अंग्रेजी में फिल्माया सामने वाले कैमरे में सर देख के जी। और अगर खड़े हो गए सर, सर जरा पूरी परफॉर्मेंस के साथ। मगर आपको थोड़ी देर के लिए बुशरा अंसारी बनना पड़ेगा क्योंकि वो दो बंदों का स्किट था। ठीक है हाँ उसी में हीरो जाता है विलन के पास, उसको छुड़वाने हीरोइन को वो उठा के ले गया होता है, तो जाके कहता ओए बशीरिया टच मी नॉट बशीरिया, ओए टेल मी अबाउट माय राणा, ओए सपोज आई डोंट टेल यू देन ओए फिर यू डोंट कॉल योर डेथ कावड़ा। रखा करें हिसाब रखा करें, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, हिसाब रखा करें माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, बनके तेरा परवाना आएगा अशरफ खान, कह दूंगी दिलबर जाना बखैर अगले कुर्बान या कुर्बान। सर माशाल्लाह सलामत हैं, इरशाद इरशाद। सर किसी ने आपके बारे में कहा कि एक दो बरस की बात नहीं, ये एक सदी का किस्सा है। सर सर आप जब शोबिज में आए तो रेलवे का इंजन आ चुका था या बाद में आया? सर
ट्रेन का इसलिए पूछ रहे ने थले आना इन्हें शेरों के बाद चलो वैसे उदो इंजन के नाल डब्बे होंगे सन के बाद च पैदा हुए ने सर मैंने कुछ लिखा है कि हिसाब रखा करें हिसाब रखा करें उन गुजरे हुए लम्हों का हिसाब रखा करें तो इतनी रफ्तार से गुजर रहा है कि आपको पता नहीं चलेगा कि जिंदगी गुजर गई फिर आपको एहसास होगा कि चंद हसीन लम्हात ही जिंदगी की कुल कमाई है इस पे मैंने एक शेर लिखा है सर लाजमी सुनिएगा और शेर सुन के तुसी थोड़ी बहुत मदद भी करनी सर जिंदगी थाम सर ये शेर लाजमी सुनिएगा सर जी जरूर जिंदगी थाम लिया करते हैं भड़कर लम्हे वक्त आने पे बदलते हैं मुकद्दर लम्हे हर घड़ी एक सा मौसम भी कहाँ रहता है है कहीं फूल से कोमल कहीं पत्थर लम्हे वक्त की आवाज से मिला लो सुर जिंगलाला हुर जिंगलाला हुर जिंगलाला हुर जंगल चो खाना खा के बात कर रहा था ओहो मेरे पैसे तो कैंगरू दी जेब च रह गए सर मैंने एक बात सुनी है मेरी इसलाह जरूर कीजिएगा सर जी आपकी इसलाह तो आपके वालदैन नहीं कर सके सर बड़ा बड़ा अजीम आदमी और बड़ा बड़ा आदमी अच्छा जी मिसर च हुंदा सर अच्छा इतनी बड़ी बड़ी ड्यूटी लगी की हर चार घंटे बाद ये फिरौन नू पासा दिंदा है सॉरी 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 क्या हुआ मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया इस वाके के बाद हनी दी महानतला भी पैन लग पाया वर्गा जिदा पासा पलटा बॉल देखा तो लगा मैंने कहा मेरी सलाह जरूर कीजिएगा मैंने सुना है कि आपकी शख्सियत को देख के फिर किसी के दिमाग चाहिए कि टीवी भी होना चाहिए मैं किसी को शर्म भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत शर्म भी होनी चाहिए अच्छा शर्म दुनिया में इनको देखने के बाद जा जी माशाल्लाह यानी कि आपके सामने टीवी आया सर जी टीवी सामने आप बैठे हुए थे टीवी आ रहा था आ रहा था जी तुझे क्या हो टीवी अब ऐसे हो तो वो तो लता ना टीवी हुंदा आप टुर के आंदा हुंदा सी आगे वो होता था दरवाजा लकड़ का दरवाजा नीचे चार टांगे होती थी भाई लकड़ का दरवाजा हुंदा सी जी वही जो टीवी तरखान दी दुकान तो मिल जांदा सी हां जी दरवाजे वाला टीवी ते ड्रामा लग जांदा सी घर वाले नहीं खोलदे ते एक्टर अंदर गड़काउंदा हुंदा सी मेरा ड्रामा देखो और उदो फ्रैंक ने सेनी हुंदी सी अनाउंसर 15 मिनट की खबर पढ़ के पानी भी मांग लेता अच्छा सारे वाके च मैं सरदार कमाल साहब नू अपने नालों काफ़ी छोटा समझदा रहा मैं आउंदिया किया भी सी तुसी 2.5-3 साल छोटे हो लेकिन ये तो माशाल्लाह मेरे तो भी पहलां दे लगदे अच्छा स्क्रीन भी एक मिलती सी टीवी दे अग्गे लाने लई कलर वाली 4-5 कलर हुंदे सी उहदे च ओ जे एक्टर दी एक जुती नीली एक लाल दिसदी हुंदी सी आ जिहड़ा अनाउंसर हुंदा सी ना ओ खबर शुरू करन तों पहले उहनूं कहिंदा सी चल दफा हो किसे वड्डे नूं भेज सही गल है उस वेले दा खबर देण वाला ना कि सलाब दी खबर देनी ते पहुंचे टंग के बहिंदा हुंदा सी और सही गल है कि उदों ना ट्यूबां वाला टीवी हुंदा सी उहदा लोड घट वज जांदा सी अगर लोड ज्यादा हो गया जो घट गया ना तो एक्टर का मूँह वड्डा हो जाता सैडा करके अगर घट गया तो बिल्कुल खास वर्गा मूँह हो जाता एक बात नोट की है आपने क्या 70-80 साल पुरानी बात हो ना सरदार साहब कितने कॉन्फिडेंस से रहते हैं अच्छा हो ऐसी अच्छा इन्हों को भी दरवाजे वाला टीवी थी सखावत साहब के घर केड़ा वो दरवाजे वाला टीवी नहीं इन्होंने इंज करके दरवाजा खोलिया अगो गली शुरू हो गई अच्छा उधर ना ऐड भी चलते होंगे केले सरदार साहब वर्गे बंदे दी फोटो होंगी सी अनाउंसर कहते सी पहचानो है चाचा सरदार इधर जेनी इतवाजन भी खराब है
8 दिन तो लापता घर वाले कहते अगर लभ जाए तो उथे ही मार दे तेरा भी आता था सी मेरे गंजपन का इलाज चाचा फयाल चाचा सर मैं लम्हों की बात कर रहा था सर लम्हों की बात कर रहा था सर घंटा लगा दिया आपने और याद रखिए सर जिंदगी एक बहुत बड़ी दौलत है इसे सोच समझ के खर्च करें आए हाय और गलत फैसलों में जाया मत करें क्योंकि बाज़ औक़ात खता लम्हों की होती है सजा सदियों की देख लीजिए सबूत आपके सामने सर मैंने एक शेर लिखा है और ये लाजमी सुनिएगा किन्ने के लिख बैठे हो मैंने भी दस दे इन्ने सारे थे सुनना मुश्किल हो जाता है यार नहीं सर आप सुनेंगे सर तमहीर सुना जी, आप बड़े हैं सर आपको देखते रहे लिख के देते रहे ना वो बंदा ले आओ किसी तरह सर मैंने खुद चोरी की है हाँ जी जैसे तैसे निकाल लेते हैं सर खूबसूरत शेर है एक जो बच्चे माँ प्यो मरी ले जाके भी ना एक गाना गा रहे होता मोहब्बत में सारा जहां जल गया जैसे तैसे सर ये खूबसूरत शेर है जैसे तैसे कैसे लगे सर मेरा शेर पहला कैसा लगा सर भाई जिहो जे शेर तुसी सुना रहे हो हाँ जी सर इहदे ते जो इनाम देना चाहिए वो ये है कि अच्छियां डिशां तुहाडियां फेवरेट पका के हाँ जी तुहाडे अगे रख के तुहाडे दंद कढ लवे या इंज कढ लवे ते या फिर उंज कढ लवे दूजे तरीके नाल वैसे तेरे डेथ कोड़ियां दा आर्डर होना चाहिए इन्हां शेरां दे सर एक बात करूंगा जी ओ, नहीं 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 कैसे कैसे निकाल लेते हैं चंद लम्हे निकाल लेते हैं इनसे जरा दूर रहिएगा खान साहब ये शेर सुनाते सुनाते जेब से पैसे निकाल लेते ते असी भी जे शेर सुनते सुनते पैरों चो जूता उतार लेते सर माशाल्लाह आप बड़े हैं आपने काफी एडवाइस की जी जी सबको सीनियर जूनियर मुझे ये भी पता चला है कि सर घोड़े को भी आपने बताया है कि पानी पीने के बाद ऐसे भी करते हैं नहीं नहीं वो किसी पुरानी गल कि पानी पी के करते हूँ घोड़ा भुल गया हूँ कर दे जैसे तैसे निकाल लेते हैं वाह सर ये एक शेर था लेकिन आई मैं बाद सुनाऊंगा पहले मैं अपना एक और सुनाऊंगा और जो बंदा उर्दू कुल गाजी नु मशवरा दे रहा है ए कलश काकू कुल रिंग रोड निकल रही पांच मरले ले ला जैसे तैसे निकाल लेते हैं चंद लम्हे निकाल लेते हैं अपने चेहरे से एक नया चेहरा लोग कैसे निकाल लेते हैं इससे पहले बिखर जाए लम्हों की माला खाई के पान बनारस वाला उड़ जाए बंद सर जी यक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है जी यक तरफा मोहब्बत बड़ी अच्छी चीज़ है जे सामने वाले नूं पता ना लगे अखीर तक पता ना चले ना पता चले तो तुसीं करदे रहो जे उन्हूं पता लग जाए तो वह तो फिर उन्हें ला लेनी है क्योंकि देखो ना कौन जा रहा है करन लई आपने की कभी यक तरफा मोहब्बत यक तरफा मैं तो अज तक भी नहीं की नहीं की थी। सच्ची गल हुई है दो तरफा कितनी बारी हुई दो तरफा तो इन्नी बारी हुई कि भुल जाता अच्छा दिल बहक रहेगा आप जी बाकायदा आपने क्या समझा मैं ऐसे ही था अच्छा कभी मैं भी आप ही की तरह भी था वाह पहली मोहब्बत पाकिस्तान बनने तो पहले की थी ये पानी पाते दी जंग हो रही सी जिथे तुम मैं ले जाना चाह रहे हो ना पिछे
बिफोर पार्टीशन उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त मैं 1902 च पैदा होया सा। अच्छा अच्छा खान साहब, तो फिर अगर दो तरफा मोहब्बतें इतनी ज्यादा थी तो फिर दिल आजारी और दिल के फट भी होंगे जी, इसके भी चांसेस बाकायदा थे, दिल टूटा और हुई भी हुई। वाह भाई, जाहिर है आप जिसके आप उसको रिस्पॉन्स नहीं दोगे वो तो दिल आजारी होगी कि नहीं होगी। हालांकि शुरू इसी तरह होता है कि पहले इधर से ये कहा, फिर उन्होंने वो कहा, फिर ये कहा, फिर किनारा कश हो जाता है। कौन करता था किनारा कशी? कोई भी, वो भी कर सकते हैं और दूसरा भी कर सकता है। आपने ज्यादा की या दूसरों ने की? जी बाकायदा की। आप जो मनवाना आज चाहते हैं लिखवा लीजिएगा, मैं साइन कर जाऊंगा। हाँ सर, उस वक्त की मोहब्बत में वो एक दूसरे का पास, वो वादे करार, आज के दौर में तो बड़ा फर्क नहीं था। बेटे आप तो हमारे गुरु हो इस मामले में, हैं आप माशाल्लाह हमसे बहुत आगे हो, ये माशाल्लाह इस काम में खुद कफील हैं। अच्छा, हम इनसे बहुत पीछे रह गए हुए हैं, ये हमारा प्यारा बच्चा अनथक बच्चा है। अच्छा। आज तक नहीं थक रहा ये। हसन जी पहली पेमेंट तुहानू मिली है वो कागज दे नोट सन या अशरफियां मिली है? अच्छी गल, थैली मिली सी, थैली भी सुटी सी किसी ने। अच्छा कसम, तो अकबर बादशाह ते सलीम दी लड़ाई हुई है? मैं विच ही सा जी, मैं कराई सी, मैं कराई सी। लड़ते नहीं सी पे आपस, मैं क्या हुए तेन ने कहता ही तेरा अब्बा बड़ा जालम है, उन्हें तलवार कट रही है। उन्हें कहा बाखुदा हम अनारकली के दुश्मन नहीं। अच्छा। लेकिन सलीम हम तुम्हारी गर्दन उतार देंगे। शेखू क्या हमने तुम्हें इसीलिए अजमेर शरीफ में जाके मांगा था कि तुम इस तरह हमारे सामने खड़े हो जाओ? तो उन्हें सिर्फ तलवार में इंज करके इंज किया, ये जवाब सी हर गल का, यह परफॉर्मेंस होंगी सी। अच्छा अच्छा, जो फैसला आया सी कि अनारकली को दीवार से चुनवा दिया जाए, ये अकबर बादशाह का फैसला सी जी? मैं नहीं पूछ रहा, अनारकली के बच्चे पूछना चाहते। बड़ी तैयारियां करती हो और तुम ये समझती हो कि तुम में बहुत चमक है, मेरे खान साहब की आंख की आधी चमक भी तुम्हारी मल्टीप्लाई बाय 1000 चमकों से ज्यादा है। हमारी जान, हमारी दिल में जिनका सबसे बड़ा प्लॉट है और वो भी कैश पेमेंट में, अशरफ खान साहब मौजूद है। आओ नीचे। Ladies and gentlemen, the living legend Ashraf Khan Saab is here. Sir, me, mic, light, stage, time, moment is all yours. Thank you very much. मैं मेरे पसंदीदा शायर हैं शिकेब जलाली, उनके चंद शेर मैं आपको सुनाता हूँ। आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, जितने इस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे, और मुझको गिरना है तो मैं अपने ही कदमों पे गिरूं, जिस तरह साया ये दीवार पे दीवार गिरे, और क्या कहूँ दीदा ए तर ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहाँ धार गिरे। मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी टीवी थिएटर और फिल्म का असासा, एक साफ सुथरी शफाफ रूह। खुदा करे इनकी उम्र, इनकी सेहत और इनका साया सलामत रहे। देखते रहिए क्या मुज़ाकरा। ऑडियंस, 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 टंडन ठिश जी, भाई आहा, बड़ी खूबसूरत आंखों वाले लड़के, क्या कहना चाहते हैं? मैं जी अशरफ खान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आज मैं आपकी नजर एक कलाम करना चाहूंगा। अरे जी प्लीज। मैं लज पाला दे लड़ लगियां,
मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां। खान साहब बच्चा आपका फैन है। और बच्चा जो है उसने मुझे अपना फैन कर लिया ये सुना के। अरे क्या बात, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का सर। नाम? हैदर अब्बास। क्या कहना चाहते हैं सर जी? मैं दो मिसरे एक कलाम के छोटा सा बाबुल्ले शाह जी का। माशाल्लाह। गम वाला चरखा ते दुखां दियां पूनियां ते मैं जू जू कती जा ते होने पया दू दिए माया मैनू यादियां निदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कु। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। आज हमारे बीच एक बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट मौजूद है जो नेल्स के साथ कीलों के साथ इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत से सेलिब्रिटीज और बहुत से लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। खूबसूरत नौजवान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा सर। जी मेरा नाम अहमद अली सादिक है और मैं पाकिस्तान का पहला ऐसा आर्टिस्ट हूँ जो ये किलो से तस्वीर बनाता है और ये मैंने ही ये ईजाद किया। ये जो आर्ट है मैं ही नहीं, मेरे पूरे घर वाले दोस्त सारे बहुत ज़्यादा फैन हैं और आपके एक्टिंग के होस्टिंग के। तो कौन सा ड्रामा पसंद है मेरा? आपका सारे भोले वाला भी और मूसे वाला का मैंने आपका एक बनाया भी था। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे कमरे में सिर्फ एक तस्वीर है वो आपके हाथ की बनी। ये मेरे लिए बड़े ही बहुत बड़े एहसास की बात है। मैंने इस तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है बिलीव, उसी की ये कड़ी है कि अब इस मैं अपने काम में दिन ब दिन ना इनोवेशन लेके आ रहा हूँ और ये अब आप देखें ये मैंने 10,000 किलो से बनाई है एक महीना लगा के आपके लिए। आइए इधर आइए सर, इधर आइए। क्या वाह 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 वाह। यार ये मजाक रात का इमरान अशरफ है। जी जी बिल्कुल। और इसमें अब आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि मैं इसी आर्ट को आगे लेके जा रहा हूँ और मैं ऐसा आर्ट ईजाद कर रहा हूँ कि जो कि मेरा दावा कि दुनिया में मैं पहला इंसान होगा जो वो आर्ट करेगा। तो फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आप क्यों नहीं जाते? मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मेरी 100% जो है वर्किंग वो कंप्लीट है, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए मुझे कोई इस तरह का मैं जितना हो सका आपका साथ दूंगा। जी जी। और ये जो आप ये लेके आए हैं यहाँ उसके लिए मैं आपको और तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन थैंक यू थैंक यू, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, जहां तक मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, प्लीज तशरीफ रखिए। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बेटी को जो मोजो जो टिका जो टिकाई है। हां का गया? दाल चावल। दाल चावल, गुड। नाम क्या है आपका बेटा? नाहिल। नाहिल, मेरा नाम क्या है? इमरान अशरफ। ओए ये बात, ओए ओए, कब से जानती हो मुझे आप? नमक राम से। नमक राम से, ओए ओए ओए। और कुछ कहना चाहती हो बेटा? आप मुझे मुरीद की एक्टिंग करके दिखा दे। ओए 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 ओए, ये जो नमक की छोटी छोटी चुटकियां होती है ना साहब, ये हम नमक हलाल नौकरों के कांधों पे चट्टानों की तरह पड़ी होती है,
मालिक को छोड़कर भागने की सकत नहीं होती हमारी टांगों में। शुक्रिया बेटा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खान साहब। आय हाय 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 आए, थैंक यू वेरी वेरी मच भाई आपका। और खान साहब दी ग्रेट, खान साहब के लिए एक दफा फिर। अगर थैंक यू।